नहीं चलती, जांच वही लोग कर रहे हैं ना जो लोग संरक्षण दे रहा अपराधी साहब। यहाँ पे आए लोकेशन का घटना देख के, यहाँ पे आंगन में नहीं आए और कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं आंगन गया था, संतावना दे के आया हूँ। एक एक बयान में उनका देखता हूँ और एक एक जिस ढंग से गलत बयानी करने का पुलिस पदाधिकारी नहीं है, आई जी गया वहाँ, मीडिया का फुटेज मेरे पास है, कहिए तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा, विभिन्न अखबारों में छपा, मीडिया में आया। आईजी ने पहली बार वहां जाकर के मिला, घटना स्थल का मुआयना किया, पीड़ित परिवार से बात सब कुछ किया। एसपी जो भी पदाधिकारी हैं, इसके जब भी बोलिए तो इन्फॉर्मेशनों देने वाला होता है 428 इनको मिल जाए। मधुबनी नरसंहार के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव मुलाकात करने परिजनों से मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव गए थे। तेजस्वी यादव ने परिजनों का हाल जाना था, उन्हें आर्थिक मदद भी की थी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। तेजस्वी यादव ने पुलिस पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आज तक ना तो यहां के डीएसपी या फिर एसपी या आईजी या डीएम परिजनों से मुलाकात किए हैं और ना ही उनका हाल जाना है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी ये बातें कही। तेजस्वी ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाए और उनके अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। आज तेजस्वी यादव के तमाम सवालों के जवाब जनता दल यूनाइटेड की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जा रहा था। जेडीयू की ओर से इस बारे में भी जानकारी दी गई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब ये कहा गया कि तेजस्वी यादव की ओर से जानकारी दी गई वो गलत जानकारी दी गई। तेजस्वी यादव की ओर से जो कहा गया कि आज तक ना तो आईजी पहुंचे हैं, ना एसपी गए हैं, ना डीएसपी गए हैं, परिजनों से मुलाकात तक नहीं की है, ये बातें कहकर ये भी कहा गया कि जो सूचना तेजस्वी यादव को दे रहे हैं शायद वो भी 420 है। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी उतर गई है तेजस्वी के समर्थन में, सबूत लेकर उतरी है और हम बात रितु जायसवाल की करने जा रहे हैं। देखिए, रितु जायसवाल सीतामढ़ी के परिहार से चुनाव भी लड़ी आरजेडी के टिकट से, हालांकि चुनाव नहीं जीती, लेकिन मधुबनी मामले को लेकर पूरी तरीके से सरकार पर टूट पड़ी है। मधुबनी भी गई थी, परिजनों से मुलाकात भी किया था, इसके बाद आज एक वीडियो साझा की है। जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दिखा दिया है कि झूठ कौन बोल रहा है और सीधे तौर पर जेडीयू के बड़े झूठ को बेनकाब कर दिया है आरजेडी की रितु जायसवाल ने। साथ ही ट्वीट करते हुए वीडियो भी साझा किया है और रितु जायसवाल ने लिखा है ट्विटर पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस पीड़ित परिवार को जेडीयू अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 420 की संज्ञा दे रही है। मुख्यमंत्री जी या नरसंहार भाजपा द्वारा संरक्षित फ्रिंग ग्रुप और आपकी सुशासन की ही देन है। साथ ही एक वीडियो भी साझा की और दिखाया है तेजस्वी यादव से, परिवार के लोग कह रहे हैं कि आज तक ना तो आईजी साहब ना ही एसपी साहब कोई भी अधिकारी मुलाकात करने नहीं आए हैं, आते हैं बाहर से ही चले जाते हैं। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ पूरी वीडियो है, जरा सबसे पहले आप वो देखिए। और एक एक बयान में उनका देखता हूं और एक एक जिस ढंग से गलत बयानी करने का पुलिस पदाधिकारी नहीं है, आईजी गया वहां, मीडिया का फुटेज मेरे पास है, कहिए तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा, विभिन्न अखबारों में छपा, मीडिया में आया। आईजी ने पहली बार वहां जाकर के मिला, घटना स्थल का मुआयना किया, पीड़ित परिवार से बात सब कुछ किया। एसपी जो भी पदाधिकारी हैं, इसके जब भी बोलिए तो इन्फॉर्मेशनों देने वाला होता है 428 इनको मिल जाता है। नहीं चलती, जांच वही लोग कर रहे हैं ना जो लोग संरक्षण दे रहा अपराधी साहब। यहाँ पे आए लोकेशन का घटना देख के, यहाँ पे आंगन में नहीं आए और कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं आंगन गया था, संतावना दे के आया हूँ। आईजी साहब, सॉरी आईजी साहब, नहीं आए यहाँ पे, आंगन में नहीं आए, हम लोग से नहीं मिले। अभी हम लोग मीडिया में बोले तो तेजस्वी को सूचना देने वाले को 420 का जेडीयू फंस गई है, क्योंकि तेजस्वी को जिसने इस बात की सूचना दी, जिसने इस बात की जानकारी दी, वो खुद एक पीड़ित है और पीड़ित जो मृतक है उनकी पत्नी है। और आपने तस्वीरों में देखा होगा, हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें ही दिखा रहे हैं, जब पत्नी की ओर से कहा जा रहा है कि अधिकारी आज तक आए तो जरूर है लेकिन बाहर से ही
आईजी की ओर से टेलीविजन चैनलों पर मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि वो जाकर उनके परिजनों का हाल जाने, उनसे पूछताछ की है, लेकिन इस तरह की कोई भी बातें नहीं हुई। सीधे तौर पर जेडीयू के बड़े झूठ को आरजेडी ने बेनकाब कर दिया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।